और 2 साल दिए पूरे, मतलब 2 साल ऐसे दिए कि दूसरा कुछ काम किया ही नहीं। पेपर पर बिगड़ा होगा ना, तो मैं पर्सनली कहूंगा ड्रॉप ले लो। पढ़ना आसान होता है भाई, पढ़ाना मुश्किल होता है। ठीक है, मतलब मोटिवेशन तो फुल मोट, सर की आवाज सुनते ऐसा लगता था कि बस अब तो पूरे जग जीत लेंगे पूरा। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, सुजॉय से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 169 है, जो कि अकोला महाराष्ट्र से हैं और इनको एनआईटी सूरत कल अलॉट हुआ है। सुजॉय के बारे में बता दूं कि इन्होंने ड्रॉप लिया बहुत ही ऑड कंडीशन में, फाइनेंशियल कंडीशंस वगैरह ऐसी थी कि पढ़ाई करना भी मुश्किल था, पर इन्होंने उस परिस्थिति के बाद भी इतनी अच्छे से पढ़ाई की और एनआईटी सूरत कल अचीव किया। तो सुजॉय, सबसे पहले तो आपको एनआईटी सूरत कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सुजॉय, आपने एक तो ड्रॉप लिया, आपके लिए डिसीजन काफी मुश्किल था, बहुत छोटे छोटे काम भी किए, तो मैं चाहूंगा कि कई बच्चे जो होते हैं ना, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती और वो रुक जाते हैं, और मैं हमेशा मानता हूं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया तो कंडीशन अच्छी नहीं और बुरी होने वाली है। गलत कह रहा हूं? नहीं, अगर आज मान लो आप बहुत छोटा मोटा जॉब करो और आपने अगर समय रहते डिसीजन नहीं लिया तो ये और बुरी कंडीशन होने वाली है। इसलिए हर वो बच्चा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं कहूंगा कि कभी भी कंप्रोमाइज मत करें, बल्कि ऐसा करें कि इस कंडीशन को भी सुधार पाए और अगली जनरेशन, मतलब आपके आने वाले समय के लिए, उनको ये ना बोलना पड़े कि मेरे पिता ने किया होता तो अच्छा होता। तो कभी भी फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से नहीं रुकना, और एक चीज बोलूंगा, अच्छी एजुकेशन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को डेफिनेटली ठीक कर सकती है। तो सुजय, आप अपना सक्सेस जर्नी बताएं। यस सर। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुजय लांडे एंड आई सिक्योर ऑल इंडिया 169 इन निमसेट 22। तो मैंने पिछले साल भी दिया था, पिछले साल एग्जाम दिया था और रैंक 1100 समथिंग थी। तो ड्रॉप लेने का दिमाग में नहीं था ऐसा कुछ। सर से बात की, सर ने कहा ड्रॉप लेना है नहीं लेना है तो ये तुम्हारा डिसीजन है। तो मैंने कहा, मैंने मेरा मेरा बैकग्राउंड बताया मैथ्स का, तो मैथ्स में ऐसा था कि बच्चे कहते हैं क्वाड्रेटिक नहीं आता, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता था, तो मुझे, मैंने बहुत बेसिक से शुरू किया, मतलब 6वीं 7वीं क्लास की बुक ली मैथ्स की, वहाँ से शुरू किया, पूरा बेसिक से पढ़ा और 2 साल दिए पूरे, मतलब 2 साल ऐसे दिए कि दूसरा कुछ काम किया ही नहीं, बस पढ़ाई ही किए। और एक पार्ट टाइम जॉब भी किया था थोड़ी देर के लिए, फिर पढ़ाई में थोड़ा मन लग रहा था तो फिर वो थोड़ा स्किप कर दिया। और अपनी इम्पिटस के बारे में बोलना चाहूँगा कि पूरे 2 साल की जर्नी में, मतलब शरद सर ने बहुत सपोर्ट किया, मेंटली भी सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, और पूरे 2 साल की जर्नी में उन्होंने, मतलब ऐसा कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि, मतलब मोटिवेशन तो फुल मोट, सर की आवाज़ सुनते ऐसा लगता था कि बस अब तो पूरे जग जीत लेंगे पूरा। और पढ़ाई में भी ऐसा था कि सर से कोई भी डाउट पूछो, सर कभी भी नहीं बोलते थे, हमेशा बोलते थे ठीक है बेटा कर लोगे। और जूनियर को मैं यही कहना चाहूँगा, जिनका अगर बाई चांस इस साल नहीं हुआ है, तो ड्रॉप के पीछे 2-4 कारण हो सकते हैं, 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो पेपर बिगड़ा या पढ़ाई नहीं थी। पेपर पर बिगड़ा होगा ना, तो मैं पर्सनली कहूँगा ड्रॉप ले लो, क्योंकि अगर पेपर बिगड़ा है ना तो इस मॉक दे के वो कवर हो जाएगा, और पढ़ाई अगर नहीं की थी तो इस साल पढ़ाई करके फिर क्लियर कर लोगे। तो दोनों केस में देखो क्या होता है। तो जैसे मेरा ऐसा था कि मेरा पेपर बिगड़ गया था, फिर पढ़ाई थी मेरी, मैंने ऐसा, मतलब जैसे कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखना, मैंने फूक फूक के क्वेश्चन किए थे, मैंने एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन 4 बार सॉल्व किया था पिछले साल कि कहीं गलत ना हो जाए। तो इस साल मैंने वो गलती नहीं दोहराई, इस साल मैंने ऐसा किया कि जैसे 69 मॉक था इम्पिटस का, वैसे ही सोचा, बस ऐसा सोचा कि सेंटर पर जाके देंगे। तो क्वेश्चन पहले 1 घंटे में पेपर पूरा हाथ में था, पहले 1 घंटे में था सिलेक्शन हो ही जाएगा, उसके आधे घंटे में सूरत कल ठीक था, मतलब ऐसा लग रहा था सूरत कल जाएंगे 1.5 घंटे में, फिर ऐसा था, फिर बचा आधा घंटा, तो आधे घंटे में फिर वो पजल थी एक, उसमें थोड़ा उलझ गए थे, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक ही हो गया था। तो इस साल मैंने वो गलती नहीं की कि वो पेपर है, एक्चुअल पेपर है तो फूक फूक के कदम रखेंगे, पूरा एक क्वेश्चन को 2-2 बार करेंगे, बिल्कुल नहीं, जैसा मॉक था वैसे ही दिया। एक क्वेश्चन को जितना टाइम देना चाहिए, जितना मॉक में देते थे 30 सेकंड, हार्डली 1 मिनट तो बहुत हो गया, 1 मिनट के ज़्यादा तो नहीं दिया था, तो उससे हो गया। और इस रैंक का क्रेडिट तो मैं पूरा शरद सर को देना चाहूँगा, शरद सर ने मतलब 2 साल में बहुत बहुत सपोर्ट किया, बहुत मतलब कोई भी कंडीशन आती थी मैं शरद सर को कॉल करता था, सर ऐसे हो गया, सर बता दे ठीक है बेटा हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने माता पिता को थैंक करना चाहूँगा, क्योंकि पढ़ना आसान होता है भाई, पढ़ाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो माता पिता ने भी बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद में मेरी सिस्टर और एक दोस्त मेरा अमन, जिसने भी बहुत सपोर्ट किया 2 साल की जर्नी में। और यही, और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन में मोटिवेशन की कमी होती है, तो इसमें
ऐसा है कि स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बिकॉज अनलेस यू ऑनेस्ट टू योरसेल्फ यू कांट बी ऑनेस्ट टू अदर्स। तो अगर आप खुद को खुद के साथ ईमानदार रहेंगे, खुद की ईमानदारी से पढ़ेंगे, जैसे मैं एक दिन नहीं पढ़ता था तो मैं समझ लेता था कि खुद के 100 रैंक पीछे, एक घंटा अगर नहीं पढ़ाई की तो मान लेता था 10 बच्चे मेरे से आगे चले गए, तो मैं एक दिन भी मतलब उसके लिए तो अगेन आई वांट टू थैंक्स मी फॉर टेकिंग नो डेज ऑफ, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली और मेहनत तो की है, उसी की वजह से हुआ है। और यार मतलब पढ़ना पड़ेगा, ऐसे जो बोलते कि हो जाएगा ऐसे नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और बाकी मटेरियल से तो पूरा 90% पेपर पूरा मटेरियल से आया था। मैथ्स में मैंने 9 क्वेश्चन अटेंड किए थे, 9 के 9 राइट थे और पूरे 10 ही क्वेश्चन मैथ सब कंप्यूटर के मॉक से आए थे, लेकिन वो एक मुझे छूट गया। और मैथ्स भी पूरा मॉक से ही था, रीजनिंग भी पूरा मॉक से था, मतलब ऐसा लग रहा था मॉक ही दे रहे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ड्रॉपर को यही कहना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है आप में है उतना कैलिबर आप कर सकते हो तो ड्रॉप ले लो यार, ड्रॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 50 साल के बाद अगर आप सोचोगे ना कि यार काश ड्रॉप ले लेता तो आज ज़िंदगी कुछ अलग होती, वैसा नहीं करना है। एक ड्रॉप से अगर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है तो ले लो, अगेन वो आप पे डिपेंड है कि आपका क्या हुआ है, पेपर बिगड़ा है या पढ़ाई नहीं की थी, वो देखो और लग रहा है तो ड्रॉप ले लो। देखिए सुजोय ने जो बोला आपने बहुत ध्यान से बात सुनी, सबसे पहले तो आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, दूसरा इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर हम एक दिन भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे हो रहे हैं। तो ये हर दिन जब अपने आप को ये मैसेज देता था कि मैं सर आज 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाया तो मैं कहीं पीछे तो नहीं हो जाऊंगा, कई बार बात होती थी। और दूसरा ये क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी थी तो बीच बीच में जॉब भी करना पड़ा, बहुत छोटे छोटे जॉब किए इसने पर हारा नहीं, तो ये सबसे खास बात है। तो एक और चीज बताओ, जिन बच्चों की कंडीशन अच्छी नहीं होती या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, आपने तो की है नौकरी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको मैसेज यही देना चाहूंगा कि अगर हो सके ना तो नौकरी, अगर कुछ एडजस्ट हो सके तो नौकरी मत करना, लेकिन अगर चांस नहीं है करना ही है तो कुछ छोटा मोटा ही कर लेना, कि जैसे कि ये नौकरी करके ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, अगर फीस दे पाओगे ऐसी छोटी मोटी नौकरी कुछ कर लेना, जैसे मैं करता, मैंने ऑनलाइन ही किया था कुछ, ऑनलाइन भी बहुत सारी साइड है, मतलब तो आप कॉलेज में जहाँ पे आप पढ़ रहे हो BCA वगैरह कर रहे हो उसी कॉलेज में बात करके देख लेना, कुछ ऑफिस में हो जाएगा, 3-4 घंटे में हो जाएगा। अच्छा सुजय, आपने ये जो ड्रॉप लिया है और कहीं ना कहीं आपके मन में एक अच्छा बड़ा सपना था, तो आगे क्या सोचते हो आप अपनी लाइफ को और किस ढंग किस डायरेक्शन में लेना चाहते हो, क्या ड्रीम है, क्या विजन है आपका? विजन तो यही है सर कि जैसे इम्पिटस का भी विजन है, पढ़ना है, पढ़ाना है और बच्चों को अवेयर भी करना है। और कॉर्पोरेट में मैं, मुझे नहीं लगता इसके लिए मैं बनाऊँ, लेकिन फिर मैं जाऊँगा जॉब वगैरह करूँगा 5-6 साल, उसके बाद मैं टीचिंग फील्ड में आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे टीचिंग मतलब अब शरद सर को देख के ऐसा इंटरेस्ट जागा है कि टीचिंग में मुझे लग रहा है कि अब मेरा पैशन हो सकता है। मतलब एक क्या है कि एक हद के बाद ना पैसा वो इम्पैक्ट नहीं करता है, जब एक साल के बाद जब अवार्ड होता है और इतने सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वजह से मैं ये कर पाया हूँ, कि आपकी वजह से मैं ये कर पाई हूँ, तो वो अलग ही मतलब वो इंक्रीमेंट से नहीं होता है, वो अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है, तो मैं टीचिंग में ही जाना चाहूंगा इसके आगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आप टीचर बनना चाहते हो और एक टीचर जो होता है ना उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप जॉब करोगे तो खुद के लिए करोगे पर जब टीचर बनोगे तो बहुत सारे लोगों के जीवन में आपको परिवर्तन लाना होगा, और वो जब ही आ सकता है जब पहले अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। तो जो आपका सपना है बिल्कुल आप ऐसे ही करो, आपने देखा है प्रतीक सर ने भी 3-4 साल जॉब किया, आप टीचिंग में है, सौरभ सर ने तो डायरेक्ट ही मेरे साथ टीचिंग स्टार्ट कर दी, और ऐसे मेरे आज कम से कम 1000s ऑफ स्टूडेंट होंगे जो आज टीचिंग फील्ड में है या अलग अलग फील्ड में। आप भी ऐसे अच्छे टीचर बनो, वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।